मेरा नाम है अब्दुल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा, हम लोग पहुंच गए थे चितगुल। सांसद जो है वो चढ़ चुकी है। अभी चितगुल का पूरा व्लॉग मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, चितगुल के अंदर क्या क्या है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को पानी बहता हुआ दिखेगा, पीछे ही स्नो माउंटेन्स है, लकड़ियों से बने हुए घर है, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, लास्ट विलेज इस इंडिया का ढाबा। ये क्या बोल दिया मैंने, इस इंडिया का ढाबा, हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा। भूख बहुत लग रही है, भूखा ले क्या है मेरे को। क्या बोलना चाहेगा आशी भाई, कैसा एक्सपीरियंस है चितगुल का, ठंड कैसी है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। भूख लग रही है बहुत। अपन ने 19 घंटे में किया, 19 घंटे में हमने 610 किलोमीटर दिल्ली से चितगुल आए हम लोग, वाया शिमला, रामपुर, किन्नौर और ऐसे ही छोटे मोटे विलेजेस और छोटे मोटे वैले के, सांगला वैली जानते होंगे आप लोग, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना। बाकी यार विलेज बहुत ही खूबसूरत है, तो अभी हम लोग बस इसको एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे देखो लकड़ियों के मकान बने हुए, तो बस वीडियो में जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर देना यार, इस बंदे की मेहनत पे एक लाइक तो ज़रूर बनता है ना, एक तो बनता है, एक तुम्हारे को कसम है जिसकी भी लग रही है, एक तो बनता है। तो यार ये कुछ एरिया है, ये टेम्पल है, टेम्पल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बट उससे पहले यहाँ के जितने भी पुराने मकान है ना वो देखो आप लोग, पास से दिखाता हूँ मैं। तो मेरा यही सजेशन है, जो भी काजा लांगजा हिक्किम कर रहा है ना, एक बार अपने शरीर को कष्ट देके यहाँ तक ज़रूर आए। देखो तुम लोग, ये नहीं देखने को मिलेगा यार तुम लोगों को शहर में, इस तरीके के जो स्ट्रक्चर है ना वो तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। और हवा बहुत तेज चल रही है, धीरे का होगा भाई कदम, तू वीडियो बना, टेंपल में अलावे जाना है। ओए तो शूट कर रहे हैं हम लोग इंस्टा 360 से, पीछे आसिफ भी है, और अभी टेंपल का व्यू और यहाँ का जितना भी व्यू है ना वो हम आप लोगों को दिखाते हैं इंस्टा 360 के थ्रू। इस तरीके का व्यू है मंदिर का, मंदिर हम लोग अंदर नहीं गए बिकॉज वो बंद था। बाकी अभी रिवर तक जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत देखेंगे, पानी के अंदर नहीं जाएंगे, पानी के अंदर जाना अभी सख्त मना है घर के अंदर। भाई टेंट लेके वहीं रुक लेना, टेंट लेके टेंट तो बचुआ तुम मंगवाए हो, पहले तो तुम रुकोगे। बाकी यार इस चीज का मैं फैन हो गया, चलो आगे कुछ बढ़िया दिखता तो मैं दिखाता हूँ। ये देखो चोर को, देखो चोर को, देखो एक बार चोर को देखो।
हाँ भाई भाई निकलना है, निकलने से पहले लोगों को दिखा तो दे। ए? कहाँ रुका है तू? जनता को क्या? हाँ भाई कहाँ रुके अपन? उठ उठ जितकुन के घर के। भाई वो इग्नोर मारना, अगर मैं बुरा लगा हूँ तो सो के उठे यार, सब अपने अपने स्पेशल स्पेस में होते। तो इनको यहाँ से दिखाया जाए? हाँ हटा, ये मैं सब बिखरा हुआ है हमारा पूरा। बट तुम लोग ये देखो भाई, जमात इधर से और दिखा दे ले, इधर से और ये नजारे देखो तुम। रूम लिया है अपन ने 800 रुपए में, थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करी, 800 रुपए में रूम हो गया, मस्त बढ़िया खाना खाया था। ज्यादा खाना नहीं खाया, हल्का फुल्का खाना खाया। और बाकी आज का प्रोग्राम क्या है आसिफ भाई अपना? आज अपन निकलते हैं गाजा के लिए। गाजा के लिए निकल रहे, देख लो अपने पास है नहीं कपड़े, है नहीं ठंडे भाई, बिना प्लान के निकले। शाम होने से पहले पहुंच जाते, शाम होने से पहले निकलना है, इसीलिए अभी ये सब कुछ समेटते और फिर आप लोगों को मिलते सीधा अभी बाइक के ऊपर ब्रेकफास्ट करने के बाद। लगेज हम लोग अभी बांध रहे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है तो बांधने में दिक्कत हो रही है, ठीक है।